जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको दिखा रहे हैं द गोल्फ फाउंडेशन के द्वारा किए गए पूरे भारतवर्ष में ऐसे कार्य जिसके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। अमित लूथरा जी एक ऐसा काम कर रहे हैं पूरे देश में, जो गोल्फ खेलना चाहते हैं उन गोल्फर को तलाश कर और उनको तराश करके हीरा बना रहे हैं, द गोल्फ फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित लूथरा जी। आज इस कार्यक्रम के अंदर कपिल देव जी और नंदिनी जी आई हुई थी, जो कि फेमिना इंडिया मिस वर्ल्ड 2023 है। आपको जानकारी देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। उन्होंने बताया कि उनको 2 करोड़ रुपए हर साल ज़रूरत होती है इन लोगों पर, ये बच्चे जो खेलते हैं गोल्फ उसको तराशने के लिए। लेकिन इस साल उनके साथ में 2,60,00,000 रुपये उन्होंने फ़ंड रेज कर लिया है, जिसके लिए उन्होंने अपने फ़ंड जो दिया है जिन लोगों ने उनका आभार भी जताया। और साथ ही उन्होंने अजय भारत मीडिया से बात करके बताया कि किस तरह से वह ये कार्य करते हैं। देखिए ये खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। द गोल्फ फाउंडेशन के प्रोग्राम में, फंडरेजिंग प्रोग्राम में किस तरह से देखते हैं? मैं कहूँगी सर, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लाइफ के पर्पस को इजीली समझ पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको अपने लाइफ के पर्पस के बारे में मतलब नहीं, उसका मतलब नहीं पता होता। तो द गोल्फ फाउंडेशन है, उनका एक मोटिव है बिल्डिंग इंडियन गोल्फ, एंड मैं कहूँगी इंडियन गोल्फ ही नहीं, वो साथ साथ इंडियन यूथ को भी प्रमोट कर रहे हैं। आप बच्चों को देखेंगे, किसी के पिताजी दूध वाले हैं, किसी के पिताजी फार्मर हैं, और मेरे पिताजी खुद फार्मर हैं, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकती हूँ। जितना फंड रेज हुआ है और जितना अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए अमित लूथरा सर, मैं कहूँगी उन्हें बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी आगे सबसे जाके, और आशा करती हूँ कि गोल्फ फाउंडेशन में आप मुझे अगली बार भी देखें, हो सकता है 16th फंड रेजिंग इवेंट के अंदर, और ये बहुत अच्छा इवेंट था। मैम, मिस इंडिया कंपटीशन का वो सुनहरा क्वेश्चन कौन सा था जिसने आपको विनर किया? मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, इफ़ आई कैन चेंज द वर्ल्ड और चेंज माई सेल्फ व्हाट आई विल डू, अगर मुझे खुद को बदलने का मौका मिलेगा या दुनिया को, तो मैं क्या चूज करूंगी, जिसका मैंने आंसर दिया था कि मैं सबसे पहले खुद को बदलूंगी, क्योंकि अगर मेरे अंदर खुद को बदलने की पावर है तो हो सकता है मैं उसी नई नई एबिलिटीज से दुनिया के ऊपर भी मैं कहूँगी अच्छा प्रभाव डाल सकती हूँ। जी सर, गोल्फ का तो नहीं पता, बट गोल्फ एसोसिएशन का मुझे सिर्फ ये पता है कि दे आर सर्विंग फॉर द ग्रेटर गुड, वो अच्छाई को सर्व कर रहे हैं, एंड वो एक पर्पस है उनके एसोसिएशन के अंदर कि उन्हें अंडर प्रिविलेज बच्चों को एक मुकाम देना है। और एज मिस इंडिया मैं कहूँगी कि मैं भी ब्यूटी विद द पर्पस में बिलीव करती हूँ, और साथ ही मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो साथ ही साथ मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जिन जिन से मिलूँ कभी ना कभी उनकी लाइफ को मोटिवेट करूँ, उन्हें प्रोत्साहन दूँ, और हो सकता है कभी ना कभी मुझे फार्मर डॉटर समझ के देश की और किसानों की बेटियाँ आगे बढ़े, तो मेरा ब्यूटी विद द पर्पस वहीं सॉल्व हो जाएगा। मेरा नाम है अमित लूथरा, आई एम एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डी, and I'm the founder president of the Golf Foundation. It has got the highest award from the president of India. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये अवार्ड नीता अंबानी को मिला था रिलायंस फाउंडेशन के लिए, और मेरे को मिला था गोल्फ फाउंडेशन के लिए, तो प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। आज का इवेंट बेसिकली था फंड रेजर, हमको 2 करोड़ उठाने हैं बच्चों के लिए हर साल, तो इस इवेंट में हमने 2.60 करोड़ उठाए हैं, 260 लाख, और हमारे पास 64 बच्चे हैं, जिंदियाली विलेज के हैं, कोई हियरिंग स्पीच इम्पेयर्ड है, सबकी मदद करते हैं हम, उनको खाना देते हैं, पीना देते हैं, टूर्नामेंट इक्विपमेंट ट्रेनिंग सारा खर्चा उठाते हैं, तो 2 करोड़ हमारा सालाना खर्चा है उनसे। सर, किस तरह से इन बच्चों को आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा है वो आपको मिली? मेरे को मिली है प्रेरणा। आप कैसे प्रेरित हुए कि आपको इन लोगों को आगे बढ़ाना है? ये बड़ी लंबी कहानी है। जब मैं खेलता था इंडिया के लिए 1990s में, तो एक लड़का मेरे साथ आगे वाला था, जिसको मैं 5 रुपए देता था हर घंटे का बॉल उठाने का, तो गेम के बाद 5-6 घंटे में प्रैक्टिस करता था, इंडिया के लिए नंबर वन था मैं उस टाइम, तो 5 घंटे प्रैक्टिस करता था, 25 रुपए देता था। तो एक दिन उसने मेरे को पटिंग में चैलेंज किया, पटिंग मतलब होता है जो होल ग्रीन के पास रोल करते हुए तो आसान सा होता है, तो उसने बोला था भाई आपसे मैच करना है। मैंने बोला ठीक है, कहता लेकिन सर शर्त लगाऊंगा। मैं क्या लगा लो, कितना लगाओगे? कहता सर जो आपने देने हैं 25 रुपए, उस पर शर्त पूरा दांव पे लगाऊंगा। अब ये आया था समस्तीपुर बिहार से, 2 भाई थे वो वहाँ झोपड़ी में रहते थे, तो ये 25 रुपए उनके पूरे दिहाड़ी का खाना था,
तो मैंने कहा अच्छा भाई कितना हैंडीकैप, हैंडीकैप मतलब थोड़ा लीवरेज की भी थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाए, तो कहता कोई हैंडीकैप नहीं। तो वो 10 साल का था, मैं 30 का था, मैंने बोला जानता कौन हूँ मैं विदाउट बोस्टिंग, कहता हाँ सर इंडिया नंबर वन हो आप लेकिन आ जाओ। तो ऑफकोर्स हाँ वेरी फुल एडवाइस, उसको खाना नहीं मिलता था, तो अगर वो हार जाता तो ऑफकोर्स ही लॉस्ट, ऑफकोर्स ही लॉस्ट एंड आई डिड नॉट टेक द मनी, बट मैं जानता था भाई इसमें कुछ है दम बच्चे में कि इंडिया नंबर वन को पूरा अपना खाना दांव पे लगा रहा है। तो एक दिन आया वो रोते हुए कि भाई मेरे कोर्स से निकाल दिया, मैंने कहा क्यों, कहता सर मेरे को चोरी का इंजाम लगाया था, मैंने कहा किया तूने, कहते नहीं नहीं इंजाम लगा था तो मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मैं उसको दिल्ली गोल्फ क्लब ले आया, तो यहाँ मैंने जूनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको ज्वाइन कराया, तो नंबर वन जूनियर बना, नंबर वन सब जूनियर बना, जूनियर बना मेन्स एमेचर नंबर वन। जब 19 साल का हुआ उसने दो फ्लैट लिए डीएलएफ में और एक मर्सिडीज कार, हाँ तो नहीं नहीं तो मैं मारुति 800 से मारुति 1000 पे आया था, ये 1996 की बात है। तो मैंने ग्रेजुएट किया था 800 से 1000 ये मर्सिडीज पे, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अगर ऐसा एक लड़का आया तो बहुत होंगे, तो कुछ लोग इकट्ठे होके हमने पैसे जमा करे और 2000 में हमने फाउंडेशन स्टार्ट करी। तो 24 इयर्स में लाइक आई सेड वी हैव गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट, 600-700 बच्चों की मदद की है, अब 5 या 6 लड़के 1 करोड़ हर सालाना कमा रहे हैं, 5 सीरीज चला रहे हैं, कोई एस क्लास चला रहा है, 3-4 घर हैं सब जगह है, तो 1 करोड़ हर साल कमा रहे हैं 5-6 लड़के। तो ये सक्सेस स्टोरी है हमारी, बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कई सब इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, इंडिया यूरोप अमेरिका में जीत रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे जीत रहे हैं, तो नाम रोशन कर रहे हैं इंडिया का। लोगों में क्रेज सिर्फ क्रिकेट को लेकर के होता है, गली मोहल्ले में क्रिकेट होता है, गोल्फ के लिए आप कैसे प्रेरित करेंगे? गोल्फ में अब अगर आप देखें किसी से भी आप पूछे सबको टाइगर वुड्स का नाम मालूम है, तो टाइगर वुड्स के बाद हमारे अपने बच्चे अच्छा खेलने लगे हैं, गौरव गई है, शिव कपूर है, अनिर्बान लहरी है, गगनजीत भुल्लर है, लड़कियों में बहुत सारे अदिति अशोक है, सो मेनी प्रणवी यूआरएस, इतने सारी लड़कियां भी आ गई हैं, तो एवरीबडी इज नाउ सेइंग अगर वो कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल में आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो एक बारी बॉल रोलिंग हो जाता है स्टार्ट स्नो बॉल, तो बड़ा बढ़ता होता रहता है।